पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी ग्रंथ के चतुर्थ द्वैत विवेक प्रकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें आज जीवन मुक्ति अवस्था को लेकर के कुछ संशय समाधान किया जा रहा है। शंका समाधान शंका कर रहा है गुरु पक्षी, समाधान कर यहाँ पे शंका किए थे कि ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्ति को लेके क्या करेंगे, एक भोग चाहिए बताएगा नहीं, एक भोग को चाहिए कामादि क्लेश बंद, कामादि क्लेश से युक्त रहेगा तब तो भोगों में अगर ज़्यादा भी वांछा है तो उससे युक्त पुरुष को मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। तो बोले जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा, विदेह मुक्ति से ही हम कृतकृत्य हो जाएंगे। तो बोले अगर भोगों में इतना महत्व बुद्धि है जीवन मुक्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो गए तब तो स्वर्ग के भोग की आकांक्षा से तुम तो विदेह मुक्ति को भी छोड़ दोगे। इस तरह से फिर गए नहीं, स्वर्ग में तो अत्यंत क्षय आदि दोष है। बोले तब तो सबसे बड़ा दोष काम आदि, उसको क्यों नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तो जो है काम आदि को छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो अनर्थ का हेतु है। और निशेष काम आदि को नहीं छोड़ेंगे तो फिर यथेष्टाचरण होगा, तब तो ज्ञानी जो है कुत्ते के समान हो गया। ये सब बता दिए थे, यहाँ तक 55 श्लोक तक का हो गया था। आगे देखिए 56वां श्लोक टीका में पहले। एतावता किम अनिष्टम आपादितम, इतने के द्वारा ही इतने विचार से क्या अनिष्ट का आपादन किया गया आपके द्वारा, इत्याशंक्य ऐसी आशंका का उत्थापन करके शोपहासम उत्तरमा, उपहास पूर्वक उत्तर दे रहे, मजाक करते हुए कि देखिए हाँ उसका मजाक लेते हुए उपहास करते हुए उत्तर दे रहे कि क्या अनिष्ट मिला इतने विचार से। श्लोक नंबर 56 देखिए। बोधात् पुरा मनोदोष मात्रात् क्लिष्णास्यथाधुना अशेष लोक निंदा चे त्यहोते बोध वैभवम्। बोधात् पुरा मनोदोष मात्रात् क्लिष्णासि यथाधुना। ज्ञान होने से पहले पहले तो मन के दोष मात्र से काम क्रोध लोभ से क्लेश का अनुभव कर रहे थे, और अब ज्ञान होने के बाद कामादि को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो कामादि तो रहेंगे, कामादि से क्लेश का अनुभव तो करोगे ही, अशेष लोक निंदा च, और संपूर्ण लोक में तुम्हारी निंदा भी होगी। बताओ देखो ज्ञानी होकर कैसा कर रहे, ये कैसे ज्ञानी है भाई, ये कैसे ज्ञानी। तो कोई ढोंगी कहेगा, कोई कुछ कहेगा, बोले ज्ञानी कहे ढोंगी है, कोई नाना प्रकार से ऐसे लोक में मजाक लेंगे। कोई जो है ताहो ते वो दबे वो, बताओ कितना मजाक, अहो हास्य, अहो थोड़ा उपहास करते हैं,
क्या देखो तुम्हारा क्या बोध वैभव, कैसा तुम्हारा बोध रूपी वैभव है कि ज्ञान होने से पहले तुम काम क्रोध से ही क्लेश का अनुभव कर रहे थे, और ज्ञान होने के बाद वो क्लेश तो है ही, संपूर्ण लोकों में निंदा भी हो रही। अब बताओ तुम्हारे बोध का क्या वैभव हुआ, ज्ञान का कैसा वैभव मिल रहा है, निंदा भी हो रही और क्लेश तो है ही, इसलिए बहुत अनिष्ट है। ज्ञान होने पर भी दोगुना क्लेश हो गया, डबल अधिक हो गया क्लेश, तो ज्ञान से क्या लाभ, इससे अच्छा तो साधारण व्यक्ति ही ठीक है। तुम जो है जैसा सोच रहे हो, इससे अच्छा तो साधारण व्यक्ति का जीवन ठीक हो गया। टीका में देख लीजिए, इसका दे रहे बोधादिति तत्व ज्ञानोदयात् प्राप्त काम क्रोधादि चित्त दोषस्तव क्लेशो अभूत। तत्व ज्ञान का उदय होने से पहले काम क्रोध आदि चित्त दोषों से तुम्हें क्लेश हो रहा था। इदानीम तू सर्वलोक निंदामपि सहस्व, और अभी काम आदि को छोड़े नहीं है तो वो क्लेश तो रहेगा ही, और संपूर्ण लोकों की जो है निंदा को भी सहन करो। अरे देखो कैसा ढोंगी है, कैसा जो है ज्ञानी बन के ढोंग कर रहा है, बहुत सब निंदा करेंगे। वैसे भी चाहे कितना भी व्यक्ति हो, भगवान की भी निंदा करने वाले लोग हैं, तो ज्ञानी के भी कुछ तो निंदक रहेंगे, लेकिन ऐसा करने से बहुत ज्यादा ही निंदक हो जाएंगे, निंदा करने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे, प्राय करके सब निंदा करेंगे। तो सर्वलोक, इसलिए कह दिए सर्वलोक निंदा, सभी के लोगों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा तुम निंदा को सहन करो। इति क्लेश द्वैगुण्यम इति भाव, तो दोगुना क्लेश हो गया। पहले तो केवल कामादि से ही दुखी थे, अभी निंदा से भी पीड़ित होंगे, हर जगह जहाँ जाएंगे सब थू थू करेंगे, सब निंदा करें, अरे भगाओ कहाँ से आ गया, इस तरह से ये अधिक जो है अनिष्ट हो गया। तरी किम कर्तव्यम, फिर बोले फिर क्या करें हम, वो पूर्व पक्षी कह रहा है तब में हम क्या करें, हमारे लिए क्या कर्तव्य है। इत्यतः, ऐसी आकांक्षा होने पर सिद्धांती बता रहा है तुम क्या करना है। 57 वर्ष क्लिष्ट, क्लिष्ट मतलब क्लेश युक्त को क्लिष्ट कहेंगे, बहुत ही बोले क्लिष्ट प्रश्न है, बहुत कठिन है, क्लेश युक्त है, क्लेश युक्त यानी कि क्लिष्ट, और क्लेश तो क्लेश हो गया। हाँ चलिए, तो तरी किम कर्तव्य, फिर क्या किया जाए। इतता, ऐसी आकांक्षा होने में बता रहे क्या करना है। 57 वा श्लोक देखिए, विड्वराहादितुल्यत्वं मा कांक्षिस्तत्त्वविद् भवान्, सर्वधि दोष संत्यागात् लोकहि पूज्यस्व देववत्। विडवराहादि तुल्यत्वम्, विडवरा मतलब विड यानी विष्ठा, विष्ठा भक्षी, वराह 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 यानी सूकर, सुअर सुअर बोलते हैं ना सुअर, तो विष्ठा खाने वाला जो वराह है सुअर, उसकी तुल्यता को तुम आकांक्षा मत करो। हे ज्ञानी महोदय, तत्वविद भवान, ज्ञानी महाशय, तुम जो है विडवराहादि तुल्यत्वम् मा कांक्षी, विष्ठा खाने वाले सुअर आदि की समानता की आकांक्षा मत करो कि क्या जो है ज्ञान हो गया कुछ भी करेंगे, कहीं भी कुछ भी खाएंगे कुछ भी करेंगे। जैसे सुअर जो है गंदगी में ही लेटे रहता है, गंदगी को ही खाता है, उसको कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, उसको शर्म लगती है क्या कि गंदगी में लेटे हुए शर्म लगेगी, उसको कोई शर्म नहीं लगती, वो वैसी में लेटे रहेगा। तो जैसे सुअर जो है गंदगी में लेटे रहता है, ऐसे ही आप भी मनमानी जो है कुछ करोगे, यथेष्ट आचरण करोगे, तो विष्ठा खाने वाले वराह के तुल्य हो गए सुअर, विष्ठा भक्षी सुअर के तुल्य हो गए। तो तुम जो है ज्ञान, हे ज्ञानी महाशय, तुम
विष्ठा खाने वाले वराह की सुअर की समानता की आकांक्षा मत करो, सुअर जैसे जीवन की आकांक्षा मत करो, बल्कि पूजनी की तरह आचरण करो। इसलिए क्या करे, सर्वधी दोष संत्यागात, संपूर्ण बुद्धि के दोषों का त्याग करके, सम्यक रूप से त्याग करके, काम क्रोध जितने भी दोष है सबको त्याग करके, लोकै पूज्यस्व, सभी के द्वारा पूजनीय बन जाओ, देववत, जैसे देवताओं की पूजना पूजा होती, देवताओं के समान तुम पूजनीय बन जाओ, तो ये सभी दोषों को छोड़ना पड़ेगा, तभी पूजनीय बन पाओगे, तभी लोग पूजा करेंगे। पूजा मुझे मिले ऐसी आकांक्षा से नहीं, मतलब अगर दोष को धी दोषों को छोड़ दोगे तो लोग अब स्वाभाविक रूप से पूजा करेंगे, निंदा नहीं होगी। इसलिए इस तरह से पूजनीय जीवन को व्यतीत करो, सुअर के तुल्य जीवन व्यतीत करने की इच्छा मत करो। टीका में विडबरा, सर्वोत्कर्ष हेतु ज्ञानवान तत्वविद भवान, हे आप पूजनी, यानी संपूर्ण सबसे उत्कर्ष, सबसे उत्कृष्टता का हेतु जो ज्ञान, आत्मज्ञान से बढ़कर के कुछ तो है नहीं, है ना। आत्मज्ञान आत्मलाभात न परम विद्यते, आपस्तंभ स्रोत सूत्र, आपस्तंभ ऋषि ने जो सूत्र बनाए उसमें दूसरा ही सूत्र है, आत्मलाभात न परम विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर के दूसरा कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये नित्य है। इसलिए सर्वोत्कर्ष हेतु ज्ञानवान, सबसे उत्कृष्टता का हेतु जो ज्ञान है, उस ज्ञान वाले यानी तुम ज्ञानी हो, तो तुम कामादि त्यागाशक्तत्वेन, ज्ञान होने के बाद भी काम आदि को त्याग करने में समर्थ नहीं होने से सुअर के समान बनना चाहते हो, सर्वाधम सबसे अधम यानी निकृष्ट, विडवरा विष्ठा खाने वाले वरा, विष्ठा भक्ति वरा की, वरा आदि की साम्यता की आकांक्षा मत करो, आदि से कीटे कीट पतंग आदि अथवा अन्य जो जानवर गंदगी में रहते हैं उनकी समानता की आकांक्षा मत करो कि कुछ भी करेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी आचरण करेंगे, किंतु कामादि लक्षण सकल मनोदोष हानि न, कामादि स्वरूप जो है संपूर्ण मन के दोषों का परित्याग करके, सर्वजनैर देववत पूज्यस्व, सभी लोगों के द्वारा देवताओं के समान पूजनीय बन जाओ, पूज्यो भव इत्यर्थ, पूज्यस्व का अर्थ है पूजनीय बन जाओ। इस तरह से ये जो है यही कर्तव्य है आपके लिए भाई। पूर्व वैसे तो ज्ञान होने के बाद हो नहीं सकता है काम आदि, लेकिन जो पूर्व पक्षी दुराग्रह कर रहा है इसके लिए वो बता दिए। तत्त्यागो पायमा, बोले कैसे कामनाओं का त्याग करे, कामनाओं के त्याग का क्या उपाय है, तब उपाय देखो बता रहे, उपाय यही है। 58वां श्लोक, काम्यादि दोष दृष्ट्याद्याः कामादि त्याग हेतवः प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु तानन्विष्य सुखी भव। काम्यादि, हाँ जी बोलिए। तत्याग मतलब संपूर्ण धी दोष के त्याग का उपाय, तत् यानी वो भी ऊपर जो है ना, संपूर्ण बुद्धि के दोषों, तत्त्याग मतलब तस्य त्याग, षष्ठी तत्पुरुष समास हो, तत्त्याग तस्य त्याग, तस्य त्याग मतलब बुद्धि के दोषों का त्याग, और उसका तस्य उपाय, उसका उपाय, उपाय को बताते तत्त्यागोपाय, तस्य त्याग और तस्य त्याग से उपाय, इस तरह से दो बार षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाए। तो काम्यादि दोष दृष्ट्याद्य कामादि त्याग हेतवः प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु तान अन्विष्य सुखी भव।
काम्यादि, काम जो कामना को विषय, कामना का जो विषय होता है उसको कहते काम्य। आदि से लेना द्वेष्य, जिससे हम द्वेष करते हैं, काम्य विषयों की कामना रहती है और जिससे द्वेष्य पदार्थों से द्वेष होता है, तो काम्य पदार्थों की तरफ व्यक्ति का झुकाव होता है, वो मिले हमें, और जो द्वेष होता है उससे दूर भागते हैं। शत्रु है, सर्प है, ये सब द्वेष्य पदार्थ है, विष है, ये सब द्वेष्य है, इनसे द्वेष होता है क्योंकि इनसे मालूम है कि इनको खाने आदि से इनसे हमारा अनिष्ट होगा। तो जो काम्य विषय है, द्वेष्य विषय है, तो कामना भी बंधन का हेतु है और द्वेष करना भी बंधन का हेतु है। द्वेष भी मत करो और कामना भी मत करो। तो काम्यादि दोष दृष्ट्याद्या, काम्य पदार्थों में दोष का, दोष का दोष दृष्टि के द्वारा दोष दर्शन करिए, वहां दोष देखिए, और जो द्वेष्य पदार्थ है उधर ध्यान ही मत दीजिए, उपेक्षा करिए। तो इनमें दोष दृष्टि आदि के द्वारा, दोष दृष्टि जो बताई हुई यहाँ पंचदशी में ही आगे आ जाएगा। जैसे किसी को धन में आकांक्षा है, तार्थानाम अर्जने क्लेशः तथैव परिपालने क्षय दुःखम व्यय दुःखम धिक अर्थान क्लेश कारिणः। बहुत ज़्यादा जो पैसा चाहता है दिन रात पैसे के बीच, सामान्य रूप से तो गृहस्थ व्यक्ति है तो धन तो चाहिए ही, लेकिन उसी के पीछे ही जीवन पूरी पूरा व्यतीत कर दे, हाय 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 हाय, उसके लिए जो है वो तो दोषपूर्ण बात है। तो उसमें दोष देखना पड़ेगा कि ये तो पूरा आरंभ से लेकर अंत तक क्लेश ही देने वाला, अर्जन करने में क्लेश, रक्षण करने में क्लेश, हाँ क्षय होने पर क्लेश, व्यय होने पर क्लेश, नाना प्रकार का। और कोई कामी पुरुष है, स्त्री में, स्त्री के प्रति पर स्त्री, पराई स्त्री, पराई स्त्री के प्रति ज़्यादा कामना है, उसके लिए यहाँ टिप्पणी, अच्छा टीका में आएगा तो टिप्पणी में दे देंगे एक श्लोक वियोग वासिष्ठ का। तो काम्य पदार्थों में दोष आदि दर्शन करके, दोष का विचार करके, वो जो है कामादि त्याग हेतव प्रसिद्धा, दोष दर्शन आदि जो कामादि के त्याग के हेतु दोष दर्शन करेंगे तो नीरसता मालूम पड़ेगी, कामना नहीं होगी। भाई कजा जहाँ आपको दोष मिलेगा उसकी कामना नहीं होती है, जहाँ दोष दोष दिखेगा, जहाँ पे हमें दोष दिखेगा कि ठीक नहीं है, फिर हमारे अंदर कामना नहीं होगी। यही कामादि के त्याग का हेतु है ये, प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु, मोक्ष शास्त्रों में प्रसिद्ध है, मोक्ष प्रतिपादक शास्त्रों में सर्वत्र प्रसिद्ध है, गीता आदि में, योग वासिष्ठ, योग सूत्र, सब जगह ये सब आता है। जैसे अभी इसमें कठोपनिषद आदि में भी आ गया है ना, वो सब जो है तो दिखाए। तो प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु तान अन्विष्य सुखी भव, कि जो है मोक्ष शास्त्रों में प्रसिद्ध है, उनका अन्वेषण करके, उनका अन्वेषण करके, विचार करके सुखी भव, सुखी हो जाओ, परम सुखी हो जाओ, यही जो है। जी बोलिए। लक्ष्य निर्धारण होने के बाद तो दोष दर्शन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है जी। हाँ, लक्ष्य निर्धारण के बाद भी अगर मन जा रहा है, लक्ष्य तो निर्धारित कर लिए कि मन विषय में जा रहा है, तो दोष दर्शन तो करना ही पड़ेगा ना। लक्ष्य निर्धारण के बाद भी अगर मन जा रहा है विषय में, तो दोष दर्शन करना ही पड़ेगा, नहीं तो मन पूरी तरह से हटेगा नहीं ना। नहीं तो लक्ष्य निर्धारण तो है, सभी को पता है कि यहाँ पहुँचना है, लेकिन पहुँच नहीं पाते, प्रमाद आदि होता है। चलिए देखिए टीका में, काम्य थी, काम्या मतलब कामना विषय, श्रगादया, कामना के विषय जो श्रग आदि, श्रग चंदन वनिता, श्रग मतलब माला मिले, सम्मान मिले, प्रसिद्धि मिले, चंदन वनिता धन, ये सब जो है, वनिता है स्त्री, कामी पुरुष स्त्री के ही पीछे घूमते रहेगा। तो श्रग आदय आदयो ये शाम, श्रग आदि आदि है जिन द्वेष्य आदि के, जैसे युधिष्ठिर आदि है जिनके,
वे पांच पांडव को लिया जाएगा युधिष्ठिर आदि शब्द से। ऐसे कुछ काम में है, कुछ द्वेष से है, कुछ कामना का विषय है, कुछ द्वेष का विषय है। तो काम में आदि है जिन द्वेष आदि भी पदार्थों के, तो काम में आदि से कामना के विषय काम में को भी लीजिए और द्वेष के विषय द्वेष को भी लीजिए। क्रोध से भी व्यक्ति जो है बहुत अनिष्ट कर बैठता है, बहुत ज्यादा क्रोध है तो किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो फिर वो जेल की सजा काट रहा है, अन्य प्रकार के जो है ये हो जाएगा। वो भी द्वेष भी बंधन का हेतु है, कामना भी बंधन का हेतु, द्वेष भी बंधन का हेतु है। इसलिए उपेक्षा करनी चाहिए, जहाँ कोई जो है दोष दृष्टि दोष मालूम पड़े, मतलब कोई जो है शत्रु आदि है, वो उपेक्षा करनी, उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दूसरा आदेव आदेव येषाम द्वेष्यादीना ते काम्यादय, वे काम्यादि विषय होगा। तेषाम ये दोषा, उन काम्यादि पदार्थों में जो दोष होते हैं, क्या दोष होते हैं, अनित्यत्व सातिशयत्व आदि है। इन विषयों में अनित्यता दोष है, सातिशयत्व सातिशय है, कम ज्यादा है ना, उसमें सातिशय तारतम्य है, कम कोई उत्कृष्ट निकृष्ट ये सब भाव रहता है। तो तेषाम दृष्टि अवलोकनम, उनका देखना, दोषों को देखना कि अनित्य है, सातिशय है, परिणामी है, दुख देने वाला है, विषयों में यही दोष। हाँ जी, सातिशय मतलब उत्कृष्ट निकृष्ट, उत्कृष्ट निकृष्ट, इससे बढ़कर के या इससे बढ़कर के या, जैसे बाल्यावस्था में कुछ और अच्छा लग रहा है तो उससे बढ़कर के अब कुछ और अच्छा लग रहा है, सातिशय है ना, तारतम्य, छोटा कम ज्यादा, इससे बढ़कर के या इससे बढ़कर के है, इसको कहते सातिशय, अतिशय से युक्त है ना, इससे बढ़कर के वह है। जैसे कोई पदार्थ देखोगे बहुत अच्छा है, फिर दूसरा देखोगे इससे ज्यादा अच्छा है, तीसरा देखे नहीं नहीं ये तो इससे और अच्छा है, तो सातिशय तो आ गया, इसलिए ऐसा नहीं। तो तेषाम दृष्टि अवलोकनम आद्यम येषाम काम स्वरूप विचार आदि न, उनका दर्शन आदि आदि से ये सब उनको ले लेना, काम स्वरूप विचार है ना, कि कामना जो है बदलती रहती है, एक जैसी नहीं रहती। तो ते तथोक्ता तेषाम, तो कामादि काम्यादि में दोष दृष्टि, काम के स्वरूप का विचार, विषय में परिणामित्वादि दर्शन, और इनसे तृष्णा ही बढ़ती है, ये सब विचार करने से ते तेषाम ये त्याग हेतव, कामादि त्याग हेतव विचारा ते तथोक्ता तेषाम, तेषाम जो है तो तेषाम कामादि नाम त्याग के, कामादि के त्याग के हेतु, ते मतलब काम्यादि दोष दृष्टिया, आगे तेसाम देने की क्या जरूरत है, षष्ठी तो है नहीं, चलो कोई नहीं देगी। हाँ और भी ले लीजिए, उनमें विषय में परिणामित्व दोष देखना, काम मतलब इच्छा के स्वरूप का विचार करना, विषय में परिणामित्व आदि देखना, बहुत है ना वो तो। जैसे वो बता अर्थानाम अर्जन क्लेश है तथा परिपालन क्षय दुखम, व्यय अर्जन में क्लेश है, परिपालन रक्षण में क्लेश है, क्षय में क्लेश है, व्यय में क्लेश है, आरंभ से लेके वियोग हो जाएगा तब भी क्लेश है, तो कितना जो है बहुत है ना वो, आदि से और सब ले लीजिए, जिनसे मतलब हमारा वहाँ इच्छा हट जाएगी, उन सभी को ले लेना। तो तत्तेषां उनका जो है ग्रहण कर लीजिए। कामादि त्याग हेतुत्व प्रमाणम, कामना आदि के त्याग के हेतु में ये बनते हैं, इसमें क्या प्रमाण है, कामादि के त्याग के हेतु है दोष दर्शन आदि, इनमें क्या प्रमाण है। अच्छा तेषाम इधर लग जाएगा, तेषाम कामादि, इसलिए तथोक्ता के बाद पूर्ण विराम करिए। शास्त्री जी महाराज थोड़ा कुछ विचार व्यक्त करिए आप, शास्त्री जी महाराज तथा के बाद पूर्ण विराम करिए, आगे जो है तेषाम के बाद पूर्ण विराम को हटा दीजिए, तथोक्ता के बाद पूर्ण विराम करिए, क्योंकि आगे दे रहे हैं ना, तेषाम कामादि त्याग हेतुत्व प्रमाणम, दोष दर्शन आदि कामादि के त्याग के हेतु है, इसमें क्या प्रमाण है, तो बता दिए प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु, ये सब मोक्ष शास्त्र में प्रसिद्ध है।
इसलिए तान अन्विष्य सुखी भव, उनका अन्वेषण करके सुखी हो जाओ। इसलिए वो तथोक्ता के बाद पूर्ण विराम करिए, सीधी सी बात। एक दूसरी पुस्तक भी वो भी देख ले, तथोक्ता के बाद पूर्ण विराम। आगे तेसाम, तेसाम कामादि त्याग हेतुत्व प्रमाणम, उनमें कामादि त्याग हेतुता है, मतलब दोष दर्शन आदि में इच्छा आदि के त्याग की हेतुता है, इसमें प्रमाण दे रहे प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु। मोक्ष शास्त्र जो योग वासिष्ठ है और महाभारत आदि है, अन्य भी बहुत से है, गीता आदि है, इन सब में प्रसिद्ध है। तो योग वासिष्ठ का एक श्लोक भी दे दिए, टिप्पणी देख सकते, एक नंबर यद उत्तम योग वासिष्ठ। जैसे कोई कामी पुरुष है, स्त्री के पीछे घूमता है, तो क्या दोष दर्शन करना है उसके लिए, कामी पुरुष के लिए? तो इस तरह से, तो क्या देखो, दे दिए, केश कज्जल धारिण्यो दुष्पर्शा लोचन प्रिया दुष्कृताग्नि शिखा नार्यो दहंती तृणवन नरम। ये कामी पुरुष ऐसा दर्शन, ऐसा देखे कि केश कज्जल धारिण्यो दुष्पर्शा लोचन प्रिया, ये जो स्त्रिया है केश यानी बड़े बड़े बाल धारण करती, कज्जल काजल आँख में लगा लेती है, इनका धारण करके दुष्पर्शा, इनका स्पर्श करना भी बड़ा कठिन है, कठिन मतलब दुख देने वाला, लोचन प्रिया देखने में सुंदर लगेगी, ऐसा तो मतलब पुरुष स्त्री में ऐसा दर्शन करेगा वहां से बचना है तो स्त्री और स्त्री पुरुष में कुछ दोष दर्शन करेगी तभी जो है इधर से बच पाएगी। तो दुष्कृताग्नि शिखा नार्य, दुष्कृत पाप, पाप रूपी अग्नि की शिखा के समान, अग्नि की ज्वाला के समान है वो स्त्री नार्य। दहंती तृणवत नर, तो जैसे अग्नि की ज्वाला तिनके को, सूखे घास को जला देती है, इसी प्रकार जिनके अंदर स्त्री की कामना ज्यादा है ये नारिया स्त्रिया उस पुरुष को, कामी पुरुष को तिनके के समान जला देंगी, मतलब पुरुषार्थ से च्युत कर देंगी, किसी कार्य किसी के लायक नहीं बचा, नरक गति को प्राप्त करेगा। तो पुरुष जो है स्त्री में ऐसा, जो कामी पुरुष के लिए ऐसा तभी बच पाएगा, और कोई स्त्री है तो पुरुष में भी ऐसा कुछ दोष दर्शन करे तो जो है वो बच जाएगी। आगे भी एक श्लोक, चिंता निचय चक्राणी नानंदाय धनानी में, हाँ चिंता के जो है नीचे समुदाय चक्र रूपी है धन, धन ज्यादा हो गया चिंतन उसी में सोचते रहेगा अरे और बढ़े और बढ़े, उसके समुदाय के चिंता नीचे, नीचे मतलब ढेर, चिंता का समुदाय के चक्र रूप है। तो नानंदाय धनानी में, ऐसे जो धन है मुझे आनंद देने वाले थोड़ी है, ये तो समस्या के ही घर है। सम प्रसूत कलत्राणी, सम्यक रूप से प्रसूत जो प्रसव करने वाली मतलब बाल बच्चे और कलत्र आदि, कलत्र यानी पत्नी आदि, गृहाणी घर आदि, ये सब उग्रापदाम युवा, बड़ी बहुत बड़ी आपदा के समान है। तो इस तरह से दोष दर्शन करेंगे तभी जो है इच्छाएं कम होगी, तभी विचार के योग्य बन पाओगे। इसलिए वो बता जो दोष दर्शन आदि है वे काम आदि के त्याग के, तो इसमें प्रमाण दे दिए प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु, मोक्ष शास्त्रों में प्रसिद्ध है। भवतु, चलो ठीक है होने दो, ततः किम आयातम, इससे हमें क्या मिला? वो उदाहरण भागवत में आया ना कि ज्यादा कामना से वो कपिल की माता थी देवहूति, कपिल की माता, कपिल मुनि की माता का नाम था देवहूति, देवहूति वो बहुत बहुत सुंदरी है विवाह से पहले। संप्रसूत जो बच्चे पैदा हुए प्रसव हुए ना, संप्रसूत कलत्राणी, सम्यक प्रसूत जो कलत्र है, कलत्र स्त्री हो गए, प्रसूत बालक आदि। तो अथवा यहाँ बहुवृक्ष ले लीजिए, संप्रसूता कलत्रा कलत्रा कलत्रम, कलत्रम नपुंसक लिंग में चलता है, तो संप्रसूतम कलत्रम यस ये येषु गृहेषु, जिन घरों में खूब बाल बच्चे प्रसव से युक्त यानी बाल बच्चों से युक्त पत्नी आदि है, ये सब है, ऐसे घर जो है बहुत बड़ी आपदा के समान है। प्रसूत मतलब प्रसव से युक्त, मतलब बाल बच्चे से युक्त जो पत्नी आदि है, ये सब भी जो है बहुत बड़े आपदा के समान है, क्योंकि उसी में व्यक्ति जीवन पर्यंत डूबे रहेगा। ऐसा लेना है, और कोई विशेष भी अर्थ होगा तो योग वासिष्ठ में सामान्य रूप से अर्थ में कर दिया, योग वासिष्ठ में और विशेष कुछ अर्थ है वे, यही अर्थ तो यही होगा।
भाई प्रसूत मतलब जो प्रसव किया बालक आदि पैदा हुए, तो बहुत बाल बच्चों से युक्त, पत्नी से युक्त ये जो घर आदि बोले तो बहुत बड़ी आपदा के समान है। इसी में व्यक्ति डूबा रहेगा तो बहुत अनर्थी होगा। चलिए देखिए, तो मैं ये बता रहा था को देव विश्व देवहूति, वो तो जब विवाह नहीं हुआ था उनका, तो उनके पिता राजा थे। एक बार जो है वो अपने महल के ऊपर गेंद गेंद खेल रही है, वो देवहूति माता, कपिल की माता, कपिल मुनि की माता, इतनी सुंदरी है कि ऊपर आसमान में एक विश्वावसु नाम का जो है गंधर्व अपने विमान से जा रहा है ऊपर से, तो उसने उसकी दृष्टि पड़ी देव देवहूति माता पर। वो कन्या है, बहुत सुंदरी है, देख करके वो मूर्छित हो गया, मूर्छित होकर के विमान से ही गिर पड़ा वहां से, ऐसा भागवत में भी आया है। इतनी ज्यादा सुंदर है कि वो उनको देख करके वो जो विश्वावसु नाम का गंधर्व मूर्छित होकर के विमान से ही गिर पड़ा नीचे, ऐसा है। तो मतलब एक देखो कितना अनर्थ का हेतु है, इसलिए वो थोड़ा दोष दर्शन करेंगे तभी बच पाएंगे। तो आगे देखिए, ननु कामादीनाम अनर्थ हेतुत्वात् त्याज्यत्वम् अस्तु। कामादि अनर्थ के हेतु है इसलिए उनमें त्याज्यत्व है, उनको त्याग करना चाहिए। लेकिन जो मनोराज्य है, क्योंकि देखो बताए थे ना अशास्त्री द्वैत भी दो प्रकार का है, तीव्र और मंद। तीव्र कौन है? कामादि। कामादि जो है तुरंत जो है व्यक्ति को अनर्थ की तरफ ले जाता है। तो बोले मनोराज्य तो में क्या क्षति है, मनोराज्य से तू अतथात्वात्, मनोराज्य तो अनर्थ का हेतु नहीं है, वैसा नहीं है, इसलिए तत्त्यागो, उस मनोराज्य के त्याग का की अपेक्षा नहीं, मनोराज्य के त्याग की जरूरत, दिन भर मनोराज्य करते रहो। पूर्व पक्षी देखो उल्टी बात जो बोले पूर्व पक्षी है, उसके त्याग की तो कोई अपेक्षा नहीं है। इति संकते, ऐसी वो शंका करके फिर इसका भी समाधान दे देंगे। श्लोक नंबर 59 देखिए, त्यज्यतामेष कामादिर मनोराज्ये तु का क्षति। अशेष दोष बीजत्वात् क्षतिर भगवते रिता। एस कामादिर त्यज्यता, पूर्व पक्षी कह रहा है चलो मान लिया कि कामादि बहुत अनर्थ के हेतु है, लेकिन इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। मनोराज्य तो का क्षति, बोले मनोराज्य करने में क्या क्षति है, शांति से बैठ के सोच रहे हम, क्या बिगड़ता है, मनोराज्य तो मुझे करने दो, कुछ भी नहीं करने दोगे क्या, तो मनोराज्य करने दो क्या क्षति है। तो सिद्धांति बोल रहा नहीं भाई, वो तो जो कामादि थे तो साक्षात अनर्थ के हेतु थे, मनोराज्य परंपरा अनर्थ का हेतु है। अशेष दोष बीजत्वा, संपूर्ण दोषों का बीज तो वही है भाई, मनोराज्य करते करते ये मिल जाए वो मिल जाए कामना बढ़ेगी, मनोराज्य से भी कामना बढ़ती है, और शत्रु का ही जो है सोच रहे हो चिंतन कर रहे हो, अंदर ही अंदर जलन बढ़ते जाए। देखो जितना ज्यादा व्यक्ति सोचता है ना उतना ही ज्यादा शत्रु के बारे में सोचेगा और द्वेष बढ़ते जाएगा, और द्वेष बढ़ते बढ़ते कभी जो है कुछ बहुत ऐसा अनपेक्षित घटना कर देगा, अपेक्षा नहीं ऐसी घटना कर देगा। ऐसे ही काम में विषय का चिंतन करते 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 बहुत ज्यादा कामना उत्पन्न हो गई, उसी के पीछे लग जाएगा विषय के पीछे। इसलिए साक्षात दोष तो नहीं है लेकिन परंपरा दोष है। अशेष दोष बीजत्वात्, संपूर्ण दोषों का बीज है, इसलिए क्षतिर भगवता भगवते रिता, क्षति है भाई, नहीं क्षति नहीं ऐसी बात नहीं। बोले आप तो कुछ भी बोलते रहते, बोले हम नहीं भगवान ने भी कहा है, गीता में भगवान ने कहा है, श्लोक भी दिखा देंगे वही ध्याय तो विषयान पुंस वाला। तो काम क्रोध तो साक्षात अनर्थ का हेतु, और मनोराज्य
वो कामना आदि को उत्पन्न करके अनर्थ का हेतु, परंपरा अनर्थ का हेतु बनता है, भगवान ने भी बताया है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि कुछ भी काम मनोराज्य करने से क्या होता है। देख लीजिए 59 टीका में, त्यज्यतामिति साक्षात अनर्थ हेतुत्वा भावे। मनोराज्य साक्षात अनर्थ का हेतु नहीं है, उसमें साक्षात मनर्थ अनर्थ हेतुता नहीं होने पर भी परंपरा तद हेतुत्वात्, परंपरा व अनर्थ का हेतु है, इसलिए त्याज्यत्वम एव, उसको भी त्याज्यत्व, उसमें भी त्याज्यत्व मानना पड़ेगा। इति अभिप्रेत्य परिहरति, इसी अभिप्राय से परिहार कर रहे हैं, अशेष दोष बीजत्वात्, संपूर्ण दोषों का बीज है, ऐसा नहीं समझना कि कुछ नहीं होता उससे अशेष। टीका में देखिए, परंपरा अनर्थ हेतुत्व प्रदर्शन परम भगवद वाक्यम उदाहरण, परंपरा से वह अनर्थ का हेतु है, परंपरा से अनर्थ हेतुता का प्रदर्शन करने वाला, प्रदर्शन में तात्पर्य वाले भगवान का वाक्य जो द्वितीय अध्याय का 62वां श्लोक, यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, 60 श्लोक में वही का वही श्लोक सीधे रख दिए हैं। जायतो विषयान पुंसः संगस्ते सूपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते ध्यायतो विषयान पुंस। जो पुरुष विषयों का ध्यान कर रहा है, बारंबार ध्यान कर रहा है, तो संगस्ते सूपजायते, उन विषयों में क्या हो जाएगा, संग आसक्ति, ये मुझे मिले, मुझे मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊं, तो विषयों का ध्यान करते करते पुरुष को संग हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। और संगा संजायते काम, आसक्ति हो गई मुझे मिले, कामना उत्पन्न हो जाएगी, इच्छा आसक्ति हो गई, फिर कामना हो गई मुझे मिले, ये भी बताया, जो पहले पहले आसक्ति होगी, संग होगा, इससे मुझे लाभ मिलेगा, ये मेरा इष्ट है, इससे मुझे इष्ट का साधन है, फिर कामना हो जाएगी, कामात क्रोधो भी जायते, कामना से फिर क्रोध उत्पन्न हो गया, और क्रोध से फिर और आगे बात बढ़ गई, है ना। कामना मतलब कामना से प्रयत्न करेगा, कामित वस्तु की प्राप्ति होगी, कामित इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने से ही सब समाधान तो नहीं हो गया, उससे और वासनाएं बढ़ती जाएगी, भोग करेगा, वासना बढ़ेगी, वासना बढ़ती जाएगी, और अगर कामना में विघ्न पड़ गई तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, अत्यंत क्रुद्ध हो जाएगा, और क्रोध से फिर क्या होगा, क्रोधात भव सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सम्मोह से कहा क्रोध, क्रोधात कामात क्रोध, क्रोधात भव सम्मोह, सम्यक मोह मोहित हो जाएगा, मूड सम्मोहित हो जाएगा, यानी कुछ कर्तव्य कर्तव्य का विचार नहीं रहेगा, इसलिए व्यक्ति जब क्रुद्ध क्रोध अवस्था में पिता को भी गाली दे देता है, गुरुजी को भी नहीं छोड़ेंगे, गुरुजी को भी गाली दे देते हैं, भले ऐसे बहुत देखे, तो इस तरह से सम्मोहित हो गया, यानी कर्तव्य कर्तव्य का विवेक नहीं रहा, और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंश हो जाएगा कि मैं क्या हूँ, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि विनष्ट हो जाएगी, और बुद्धि नष्ट हो गई तो सब कुछ नष्ट हो गए, इस तरह से। तो साक्षात वह हेतु नहीं बना, परंपरा अनर्थ का हेतु बना, इसलिए मनोराज्य को करते रहना है ऐसा नहीं, मनोराज्य को भी छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा यहां बता दिए। तरही मनोराज्यस्य, तरही अस्य मनोराज्यस्य कह परिहारोपाय, बोले फिर इस मनोराज्य के परिहार का क्या उपाय है, कैसे इसका परिहार किया जाए कि मनोराज्य कम हो, तो अब इसको इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने पे 61वां श्लोक बताएंगे, इसको हम लोग कल ही करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति 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 ही। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ, 3 दिन अनध्याय रहेगा भाई, 3 दिन अनध्याय।